इसलिए आजादी के अमृत काल में विकसित भारत के निर्माण की जितनी उत्सुकता भारतीयों को है, उतना ही आशावाद दुनिया में भी दिख रहा है। और अभी शिंदे जी दावोस का अपना अनुभव वर्णन कर रहे थे, ये सब जगह पे यही अनुभव आ रहा है। भारत को लेकर दुनिया में इतनी पॉजिटिविटी इसलिए है क्योंकि आज सबको लगता है कि भारत अपने सामर्थ्य का बहुत ही उत्तम तरीके से सदुपयोग कर रहा है। आज हर किसी को लग रहा है कि भारत वो कर रहा है जो तेज विकास के लिए, समृद्धि के लिए बहुत आवश्यक है। आज भारत अभूतपूर्व आत्मविश्वास से भरा हुआ है। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रेरणा से स्वराज और सुराज की भावना आज के हिंदुस्तान में डबल इंजन सरकार में प्रभी प्रबल रूप से प्रकट होती है। भाई और बहनों, हमने वो समय देखा है जब गरीब के कल्याण के पैसे घोटालों की भेंट चढ़ जाते थे, टैक्स पेयर से मिले टैक्स को लेकर संवेदनशीलता का नामो निशान नहीं था। इसका नुकसान करोड़ों करोड़ों देशवासियों को उठाना पड़ा। बीते 8 वर्षों में हमने इस अप्रोच को बदला है। आज भारत फ्यूचरिस्टिक सोच और मॉडर्न अप्रोच के साथ अपने फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कर रहा है। आज देश में एक तरफ घर, टॉयलेट, बिजली, पानी, कुकिंग गैस, मुफ्त इलाज, मेडिकल कॉलेज, एम्स, आईआईटी, आईएम जैसी सुविधाओं का तेज गति से निर्माण हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ आधुनिक कनेक्टिविटी पर भी उतना ही जोर है। जिस प्रकार के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कभी कल्पना होती थी, आज वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर देश में बन रहा है। यानी देश में आज की जरूरत और भविष्य में समृद्धि की संभावनाओं दोनों पर एक साथ काम चल रहा है। दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं आज बेहाल है, लेकिन ऐसे मुश्किल समय में भी भारत